कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों भाई बहन करीब 15 से 20 दिन से ताबड़तोड़ रैलियां और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान दोनों नेता काफी लंबे समय से अपनी मां सोनिया गांधी से राजनीतिक कार्यक्रम की वजह से दूर भी हैं। इस बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जब हुबली में चुनाव प्रचार करने पहुंची तो बेटे राहुल गांधी ने हर पल माँ का ध्यान रखा, साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखा कि कहीं बीमार माँ सोनिया गांधी को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हुबली की रैली के दौरान सोनिया गांधी और बेटे राहुल गांधी की चुनावी रैली के दौरान एक बेहद प्यारी फोटो आई। इस फोटो में सोनिया गांधी जब मंच पर अपना भाषण खत्म कर आती हैं, तो बेटे राहुल गांधी बेहद प्यार से मां को निहारते हुए नजर आते हैं। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से लिखा गया, मां। दरअसल कल हुबली में रैली के दौरान सोनिया गांधी अपना भाषण खत्म कर जैसे ही अपनी कुर्सी की ओर आती हैं, बेटे राहुल गांधी कमर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से लाडले बेटे की तरह माँ को निहारने लगते हैं और एक बेहद प्यारी सी मुस्कान के साथ माँ का स्वागत करते हैं। इसके बाद सोनिया गांधी जैसे ही कुर्सी पर आकर बैठती हैं, राहुल बिल्कुल जिम्मेदार बेटे की तरह माँ सोनिया के लिए पानी की बोतल का इंतजाम करते हैं और लंबा भाषण देकर आई माँ को पानी पिलाते हैं। इसके बाद जब कुर्सी पर बैठी माँ सोनिया गांधी राहुल को कागज दिखाकर कुछ कहती हैं, तो राहुल गांधी उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और फिर माँ के हाथ से कागज लेकर पीछे बैठे सुरक्षा कर्मी को दे देते हैं, मानो कह रहे हों, माँ अब आप आराम करो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस प्यार भरे और ख्याल भरे रिश्ते का वीडियो जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लोग कह रहे हैं कि अगर माँ माँ होती है तो बेटा भी बेटा होता है, जो माँ की हर छोटी बात का ख्याल रखता है।